हेलो एवरीवन, एक बड़ी ही अच्छी खबर है सैनिक स्कूल एस्पिरेंट्स के लिए। सैनिक स्कूल चंद्रपुर, मेनपुरी और झांसी, ये तीन नए सैनिक स्कूल्स खुले हैं जो सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर ही आते हैं। और तीनों ही अच्छे सैनिक स्कूल्स हैं, ऐसा नहीं है कि ये कोई प्राइवेट स्कूल्स हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस देते वक्त जो भी सैनिक स्कूल आपके प्लेस से नियर है, आप प्रेफरेंस अकॉर्डिंगली दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें से कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा है या कौन सा सैनिक स्कूल अच्छा नहीं है, ये अभी नहीं बताया जा सकता। अभी ये नए खुल रहे हैं, आप कोई भी सैनिक स्कूल की प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो एडवर्टीजमेंट है, इसका एडवर्टीजमेंट 13 मार्च को आ चुका है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 18 मार्च से स्टार्ट हो गए और लास्ट डेट 29 मार्च है, इसका ध्यान रखना। 29 मार्च लास्ट डेट, इस चीज़ का ध्यान रखना। एडमिट कार्ड्स आप लोग 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन भरने के बाद। एंट्रेंस एग्जाम इसका 21 अप्रैल को है और रिजल्ट इसका 30 अप्रैल को आ जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है रिटन एग्जाम की और साथ साथ रिजल्ट की, इसमें 1 से 1.5 महीना लग रहा है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इन स्कूल्स को एडमिशन्स चाहिए, बच्चे चाहिए, तो ये बहुत ही जल्दी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं और उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 6th क्लास का ही सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर एलिजिबिलिटी हम कैसे देखें अपने बच्चे की, तो एलिजिबिलिटी बहुत जनरल इंस्ट्रक्शंस इन्होंने दिए हैं क्लास सिक्स के बच्चे के लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है 10 से 12 साल होना चाहिए बच्चा, ऑन 31st मार्च 2019। और इसको बहुत एक अच्छा तरीका है देखने का, आप अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस फ्रेम डेट के बीच में देखिए, ये कौन सी डेट्स दी हैं आपको। ये दी हैं 1st अप्रैल, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1st अप्रैल 2007 से लेकर 31st मार्च 2009। तो अगर इसके बीच में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो वो 6th के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो आप जल्दी से उस बच्चे का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो भर लीजिए, क्योंकि 29th मार्च इज़ द लास्ट डेट। 9th की भी इन्होंने एलिजिबिलिटी दी है, ठीक है, लेकिन 9th का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अच्छा, 4 स्टेप्स हैं रजिस्ट्रेशन के। आप sainikschooladmission.in जब वेबसाइट खोलेंगे तो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी डिटेल्स डालेंगे। 2nd स्टेप में बच्चे की फोटो और साइन अपलोड करेंगे। 3rd में पेमेंट करेंगे, अराउंड 480 रुपीज़ का पेमेंट है, आप 500 मान के चलिए, और SC ST इसके लिए थोड़ा सा कम है मेरे ख्याल से, अराउंड 280। कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अपलोड करने हैं जिसमें से बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट हैं। कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ SC ST कैंडिडेट्स के लिए हैं, बाकी के जनरल कैटेगरी वाले बर्थ सर्टिफिकेट और डोमिसाइल ही डालेंगे सिर्फ। एक और एडिशनल पॉइंट इन्होंने लास्ट में एज अ नोट बताया है कि एग्जामिनेशन सेंटर जो आप लोग चूज करोगे वो फाइनलाइज्ड नहीं होंगे जब तक आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आ जाते। इसका मतलब यह है कि ये लोग जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉट करेंगे वो अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग अलॉट करेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, लेकिन रेयर केस में हो सकता है अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स फुल हो जाएं। तो मैं कुछ एग्जामिनेशन सेंटर्स आपको लिख रहा हूँ, आप जब फॉर्म भरोगे आपको सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स शो करेगा। कुछ जो मुझे अभी ध्यान में है वो मैं लिख लेता हूँ। इलाहाबाद है एक, क्योंकि मेनपुरी और झांसी दोनों यूपी में हैं तो मोस्टली जो सेंटर्स हैं वो यूपी में ही हैं। इलाहाबाद है, गोरखपुर है, लखनऊ है, बरेली है, जितने भी उत्तराखंड के जो कैंडिडेट्स हैं वो बरेली सेंटर भर रहे हैं क्योंकि उनका वो सेंटर पास है, और मेनपुरी है। ये 5 सेंटर्स मेरे ध्यान में हैं, मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा और कोई अगर सेंटर्स हैं तो आप देख लीजिएगा। प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है कि आप किसी भी सैनिक स्कूल को अपने प्लेस के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस दे सकते हैं। जो भी सैनिक स्कूल आपके घर से पास है उसको आप प्रेफरेंस दीजिए। सारे ही सैनिक स्कूल अच्छे हैं और सैनिक स्कूल सोसाइटी के अंडर हैं। तो फिर से लास्ट में कहूँगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए, एज सून एज पॉसिबल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए और बच्चों से कहिए कि वो अपनी तैयारी करें, क्योंकि चांसेस बहुत अच्छे हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन होने के। ऑल द बेस्ट।